छत्रपति संभाजीनगर के किराड़पुरा में दो गुटों में आपस में जमकर विवाद, गुस्सा है, लोगों ने किया पथराव, चलाई कई गाड़ियां। संभाजीनगर के किराड़पुरा में रात तकरीबन 12:30 बजे राम मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने उपद्रव किया, मौके पर पहुंची पुलिस। संभाजीनगर शहर में पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए, आंसू गैस के गोले दागकर घटना को रोका गया, मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। सांसद इम्तियाज जलील खुद राम मंदिर पर पहुंचे, उनका कहना है कि राम मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मामला राम मंदिर के बाहर हुआ है। राम मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है, राम मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राम मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है, यहां पर कोई अंदर नहीं आया है। महानवमी के साथ ही चैत्र नवरात्र का आज आखिरी दिन हवन पूजन के साथ कन्याओं को करवाया जाएगा भोजन। अष्टमी के दिन देशभर के मंदिरों में जुट रहे हैं भक्तों की भारी भीड़, आस्था खदे का सैलाब। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में भक्तों ने रामनवमी के मौके पर पूजा अर्चना की, भक्ति गीतों पर झूमे लोग। उज्जैन में की गई नगर पूजा, 24 खंबा माता को लगाया गया शराब का भोग। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने महाअष्टमी के अवसर पर संधि पूजा का अनुष्ठान किया, विधि विधान के साथ पूजा की। रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, लिखा रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। रामनवमी उत्सव में शामिल होने बिहार के सीएम नीतीश कुमार लोगों को रामनवमी की बधाई देंगे। ठाणे में मां दुर्गा की पूजा का उत्सव, पत्नी के साथ उद्धव ठाकरे ने पूजा अर्चना की। मुंबई में रामनवमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कहा श्री राम ने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, उनके शिक्षाएं प्रेरणा स्रोत। सीएम शिंदे ने अपने संबोधन में अयोध्या का भी जिक्र किया, बोले अयोध्या में श्री राम का एक बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, हम जल्द ही वहां रामलला के दर्शन करने जाएंगे। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जारी किया वीडियो, कहा मुझे गिरफ्तारी देने से न पहले डर लगता था न अब डर लगता है। गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है अमृतपाल खालिस्तानी, मनराइया गांव और आसपास पुलिस ने बनाया डेरा। अमृतपाल और पपल प्रीत के साथ तीसरा शख्स जोगा भी फरार, होशियारपुर में जोगा ही चला रहा था इनोवा कार। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर के एक डेरा से जब्त किया स्कॉर्पियो, 2 दिन पहले इसी गाड़ी में सवार होकर आया था अमृतपाल। अमृतपाल की सरेंडर करने की खबरों के बीच में पुलिस ने अमृतसर में सख्त की सुरक्षा, अतिरिक्त जवानों की तैनाती। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह ने सीएम भगवंत मान पर बोले किया वार, कहा वारिस पंजाब दे अमृतपाल सिंह। अमृतसर में पंजाब पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था नियंत्रण रखने का प्रण लिया गया। लुधियाना में अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर अफवाहें निकली, लुधियाना दिल्ली हाईवे पर पुलिस ने जबरदस्त नाकेबंदी की। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अंबाला पुलिस का हाई अलर्ट, बीती रात पंजाब में देखा गया था अमृतपाल। सपा विधायक पूजा पाल के भाई पर बम से हमले की आशंका, पुलिस ने बम वाली बात को खारिज किया, कहा सिर्फ पटाखा छोड़ा गया था। आदिक अहमद को उम्र कैद की सजा देने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ल की बढ़ाई गई सुरक्षा, कोर्ट परिसर में जवानों की अतिरिक्त तैनाती। आदिक अहमद और मुख्तार अंसारी पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, बोले योगी सरकार की कड़ी कार्रवाई की वजह से ही सजा मिली। संसद में हंगामा, कांग्रेस के सांसदों ने काले कपड़े पहने, राहुल की सदस्यता रद्द करने और अड़ाने को लेकर लोकसभा में प्लाकार्ड दिखाकर विरोध दिया। राज्यसभा में भी लगातार होती रही नारेबाजी कर सदन की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। गुवाहाटी में भी असम विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में काले कपड़े पहने बैनर दिखाए। राहुल गांधी के समर्थन में साथ आए कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता, कोलकाता में एक साथ निकाला गया विरोध मार्च। समस्तीपुर में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेसियों ने फूका पुतला, शहर में निकाला गया विरोध मार्च, जमकर नारेबाजी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर साधा प्रधानमंत्री पर निशाना, ट्वीट कर पूछा अडानी के शेल कंपनीज में 20,000 करोड़ किसके हैं। आज तक से सचिन पायलट की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा लोकतंत्र की लड़ाई का खामियाजा भुगत रहे हैं राहुल गांधी। आज तक से बातचीत में राहुल गांधी के खुलकर समर्थन में आए सचिन पायलट, बोले पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। केंद्र के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना, 4 साल बाद कोलकाता में अंबेडकर की मूर्ति के सामने संविधान बचाने का नारा, मोदी सरकार पर बकाया ना देने का भी आरोप। ममता के धरना पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल, कहा हम सब प्रदर्शन को दिल्ली तक लेकर जाएंगे, केंद्र ने बंगाल के विकास को रोका है। राहुल गांधी के समर्थन में मंडी में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, कहा लोकतांत्रिक ढांचे को बीजेपी खत्म करने में लगी। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल ठीक नहीं।
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 69वें स्थापना दिवस पर वो शामिल हुए। आज गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अगर राहुल अयोग्य हुए तो महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मोदी क्यों नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस अपने बाकी बचे हुए 100 सीटों को फाइनल करेगी, आज बैठक पर चर्चा होगी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया, दीदी ओ दीदी का जवाब दिया, अरे ओ नंदलाल अरे ओ नंदलाल। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार का विपक्ष पर हमला, बोले हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही जीतेंगे। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 10 मई को एक ही चरण में होगा मतदान, 13 मई को आएंगे कर्नाटक चुनाव के नतीजे, 13 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना। कर्नाटक में प्रचार करेंगे बीजेपी के सभी दिग्गज, सीएम बोम्मई ने कहा प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री और सीएम योगी करेंगे रैली। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार ने कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, लेकिन बीजेपी ने उठाए 500 के नकली नोट का मामला। पूर्व बीजेपी नेता अनंत कुमार की बेटी विजेता अनंत कुमार का ट्वीट, मेरे पिता ने आखिरी सांस तक पार्टी के लिए किया काम, लेकिन उनके काम को नहीं मिला सम्मान। बिहार में सम्राट अशोक जयंती को लेकर बीजेपी जेडीयू आमने सामने, नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए अमित शाह पर साधा निशाना। पालघर में 2020 में 3 साधुओं की लिंचिंग की जांच कर सकती है सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। 2008 में जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया बरी, बीजेपी बोली राज्य सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 4 आरोपियों को निचली अदालत से फांसी की सजा, 8 धमाकों में 71 लोगों की हुई मौत। मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 में इस बार मिल सकती है अर्जुन तेंदुलकर को जगह, कोच मार्क बाउचर के मुताबिक अच्छा खेल रहे हैं अर्जुन। भारत में पाकिस्तान के सरकारी ट्विटर हैंडल को किया गया बैन, कानूनी वजहों से लगा प्रतिबंध। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, छेड़छाड़ की घटना पर मांगा जवाब। बठिंडा में विजिलेंस की टीम ने पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गुरप्रीत कांगर को दूसरी बार पूछताछ, उनसे आज आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का मामला है। श्योपुर में कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। दिल्ली में मौसम ने बदली करवट, कई इलाकों में झमाझम बारिश, 9 फ्लाइट्स जयपुर की डायवर्ट। जम्मू कश्मीर के गढ़वा में पुल के नीचे हुआ धमाका, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, सभी सुरक्षित। इंदौर में तलाक देकर पत्नी को परेशान करने पर पति को नोटिस, पत्नी को वीडियो बनाकर ये कर रहा था ब्लैकमेल। पटना में लगी भीषण आग, 7 झोपड़ियां जलकर खाक, 15 जानवरों के जलने की वजह से मौत। सुपौल में 9 लोग एसिड अटैक से झुलसे, रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। खरगोन में विधायक के नाबालिग भतीजे की हत्या, 3 आरोपी अरेस्ट। कोची हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 48 लाख रुपए का सोना किया जब्त, जूस के डिब्बे में रखकर ले जाया जा रहा था। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर कॉलेज के छात्रा से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी गायक को अरेस्ट किया। हरदोई में चुनावी रंजिश में प्रधान समेत 5 लोगों ने एक शख्स को मारने की कोशिश की, वीडियो वायरल। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। श्योपुर में साइबर सेल ने ढूंढ निकाले 5 लाख रुपए के गुम हुए मोबाइल फोन, लोग अपने फोन पाकर खुश हुए। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन, कई जगहों पर छापे मारे। औरैया में चोरों ने पुलिस को चुनौती दी, चोरों ने एक दुकान को 3री बार निशाना दिया। जालौर में डॉक्टर्स ने उनकी हड़ताल की वजह से एक मासूम की जान चली गई, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री जलकर खाक। संगरूर में 2 छात्राओं पर बदमाशों का हमला, स्कूटी छीनने का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर में शमशान घाट में अवैध शराब भट्टी का मामला सामने आया, शराब भट्टी पुलिस ने झांसा। मोतिहारी में डॉक्टर से मांगी गई 2 करोड़ की रंगदारी, मामले की जांच जारी। खूंटी में जंगली हाथियों ने गांव में मचाया उत्पात, कई घरों को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने एक बार फिर से रचा इतिहास, करनाल में भारत की प्रथम क्लोन गाय का जन्म। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के 31 मार्च तक होटल में रुकने की इजाजत, उनको अब तक 31 परिवारों में बांटे गए हैं 6 करोड़ की धनराशि। सीकर में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी, 1200 पुलिस कर्मचारी तैनात। नांदेड़ में विदेशी मेहमानों ने श्री रेणुका माता के दर्शन कर गाय भजन, भक्तों में उत्साह। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय श्री रामनवमी का उत्सव शुरू, पहले दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा समाधि में दर्शन किया।